standing waves in strings with a स्ट्रिंग्स में स्टैंडिंग वेव्स की बच्चों फॉर्मेशन कैसे होगी, किस तरीके से स्टैंडिंग वेव्स बेटे बनेंगी, और वो जो स्टैंडिंग वेव्स बनी है उनको हम बेटे फर्दर मोर कैसे एनालाइज करेंगे, लेट अस बेटे गो फॉर विद दैट. सो वी विल से दैट बेटे लेट अस कंसिडर ए स्ट्रिंग विद both ends fixed beta. एक स्प्रिंग हमने इमेजिन किया जिसके दोनों एंड्स हमने बेटा फिक्स करके रखे हुए हैं. फिक्स करने का मतलब है कि यहां पे आपका स्टार्ट है स्प्रिंग का एंड वी रीच अप टू दिस पॉइंट, यहां पे आपके स्प्रिंग का एंड पॉइंट है. इसको x इज इक्वल टू जीरो में कह देता हूं, स्टार्टिंग वाला एंड आपका जो है स्प्रिंग का x इज इक्वल टू l. वाई x इज इक्वल टू l बिकॉज हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये डियर चिल्ड्रन l के बराबर की लेंथ है. अब आपने इस तरफ से अपना जो वेव है इंसिडेंट किया, लेट इट बी y इंसिडेंट. जब आप एनर्जी सप्लाई करोगे अलोंग विद दिस वेव तो ये बेटे जो आपका वेव आपने इंसिडेंट किया है यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी डायरेक्शन में जो है आ जाएगा, इसको आप बोल दोगे बेटा रिफ्लेक्टेड वेव. डियर चिल्ड्रन दोनों वेव्स की इक्वेशंस आपने ऑलरेडी लिखी हुई है, आई एम जस्ट अगेन राइटिंग दीज एज वाई इंसिडेंट. y1 y2 भी आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस x. आपको याद होगा हमने बेटे ये लेफ्ट टू राइट गोइंग वेव के लिए ये इक्वेशन लिखा था, और इसी तरीके से जो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है लेट इट बी कॉल्ड एज y रिफ्लेक्टेड. और आपको जैसे इंडिकेट किया था कि जब कोई भी वेव बेटा हार्ड एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है इसमें एक फेज चेंज देखने को मिलता है, और फेज डिफरेंस की वजह से ये नेगेटिव साइन, दिस इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स. ये वाला पॉजिटिव साइन बेटे राइट टू लेफ्ट कमिंग वेव के लिए, ये वाला नेगेटिव साइन यहां पर हार्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए लगाया गया है. अब बच्चों ये दोनों वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी आपका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी y1 प्लस y2. दोनों वेव्स आपने जब एज सच इनको सुपर इम्पोज करवाया दिस इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा एंड इट इज वी टी माइनस एक्स. अब प्लस की जगह पर ये वाला माइनस आ जाएगा माइनस एंड इट विल बी लेट मी राइट इट बेटा एज सच माइनस ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स बेटे ये आ जाएगा. अब आप क्या करिए डियर चिल्ड्रन, हम जो चीज कॉमन ले सकते हैं इसको बेटे कॉमन एडजस्ट कर देते हैं. ए आपने ले लिया कॉमन, दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स. ये चीज बेटे हमारे पास बन गई. इसको बेटे आप सारे को आपने सी बोला था, इसको डियर चिल्ड्रन आपने सारे को डी बोला था, और आपने सी डी फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी ये यहाँ पे बेटे अडॉप्ट किया था. साइन सी माइनस साइन डी ये जो होता है बेटा दिस इज इक्वल टू लेट मी राइट बेटा साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू. ये आपने
पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा बेटे इस फॉर्मूला को कभी तो आप प्रेजेंटली इसको बेटे नोट कर लीजिएगा। तो डियर चिल्ड्रन ये सी और ये डी लेकर जब आप इसको अप्लाई करोगे फॉर्मूला को, वाई विल बी इक्वल टू साइन सी प्लस डी, ये इसमें ये ऐड किया, ये नेगेटिव का एक्स है, ये पॉजिटिव का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इट विल बी टू वी टी अपॉन टू, वो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए इंटू कॉस ऑफ टू पाई बाई लैम्डा, मैंने कॉमन लिया, वी टी बच्चों बन गया। अब सी माइनस डी करोगे जब आप, ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, वी टी से वी टी कैंसिल आउट हो जाएगा और वो नेगेटिव साइन हम बाहर एडजस्ट कर लेंगे यहां पर। सो दिस इज इक्वल टू साइन टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स विद इट, अगेन डियर चिल्ड्रन साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, सिंपली इसको अप्लाई किया है, ये वाला नेगेटिव साइन उठाकर हमने बाहर कर दिया है। तो ये आपके पास बेटे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया स्टैंडिंग वेव्स का इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग्स और इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग रादर विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। आई होप हमने यहां तक बेटे कर लिया था। सो डियर चिल्ड्रन देखिए इस रिलेशनशिप को, कोई बात आपको नहीं पता चली, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। एनी वन फ्रॉम यूर साइड बेटे, डियर चिल्ड्रन नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, दिलजीत, मिताली, बाकी बच्चे सारे नहीं है प्रेजेंटली बेटे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइए बेटा। बेटे किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई बात है पूछनी तो बताइए। मिताली, मिताली बेटा क्लियर yes, है बेटे, यहां तक हमने क्लियर है। ओके बेटे, ओके नाइस। सो चलिए बेटे हम आगे चलते हैं देन। ये मैं यहां पर बेटे आपको थोड़ा सा डायग्राम की मुझे जरूरत पड़ेगी। कंसिडर दिस बेटे लेफ्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग जिस पे आपने x इज इक्वल टू जीरो मेंशन किया हुआ है बेटे। सो एट x इज इक्वल टू जीरो दिस इज योर लेफ्ट हैंड, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इसको वर्कआउट करेंगे। आप लिख दीजिएगा y इज इक्वल टू माइनस a एंड दिस इज cos 2 पाई बाई लैम्डा बी टी। इस इक्वेशन को लिख रहा हूं एस एच, x की जगह मैं जीरो पुट कर दूंगा। सो इट विल बी इक्वल टू साइन 2 पाई बाई लैम्डा इंटू जीरो, और बच्चों साइन जीरो डियर चिल्ड्रन जीरो ही होता है। सो इट विल मेक वाई इक्वल टू जीरो बेटा, साइन जीरो बिकॉज जीरो है, आपका इस एंड पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डियर चिल्ड्रन हमेशा याद रखिए, जब आपका स्टैंडिंग वेव्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है वहां पे नोड बन जाता है। आई एम राइटिंग द वर्ड नोड, नोड का मतलब होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट। नोड जिस भी जगह पर बनती है वहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, एम्पलीट्यूड जीरो होता है, स्ट्रेन मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आइए आगे चले फिर डियर चिल्ड्रन, एट एंड एक्स इज इक्वल टू एल क्या हो रहा है, लेट अस वर्क दैट आउट बेटा। लेट अस फोकस अपॉन एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स इज इक्वल टू एल का मतलब है इस एंड पे हम फोकस कर रहे हैं कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा। डियर चिल्ड्रन जैसा आपका एक्स इज इक्वल टू जीरो वाला एंड है बिल्कुल वैसा ही ये एंड भी है, जहां पर आप दूसरे एंड पे अपने स्ट्रिंग को फिक्स किए हुए हैं। इट विल मीन दैट कि अगर यहाँ पे नोड बना है वहां पे भी नोड ही बनना चाहिए, लेकिन नोड बनाने से पहले हम बेटे वहां पे अपनी एक बार इक्वेशन को रीराइट कर लें इस इक्वेशन को। सो वाई विल बी इक्वल टू एल पॉइंट पर माइनस ए एंड दिस इज कॉस टू पाई बाई लैम्डा इंटू वी पी एंड साइन 2 पाई बाई लैम्डा, एक्स की जगह पर हमने डियर चिल्ड्रन एल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, लिख दिया। अब क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड जीरो था, यहां पर भी एम्पलीट्यूड को जीरो होना पड़ेगा बिकॉज कंडीशन सिमिलर है।
So at x is equal to L, y should be zero. और जीरो का मतलब है यहां पे भी नोड ही बनना चाहिए. और नोड कब बनेगा? वाई विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ ये सारा जीरो हो जाए बेटा. इफ एंड ओनली इफ माइनस ए कॉस टू पाई बाई लेमडा इंटू वी टी साइन टू पाई बाई लेमडा इंटू एल ये जीरो हो जाए. डियर चिल्ड्रन, ना ए जीरो है ना वेलोसिटी जीरो है, ठीक है जी. लेंथ भी जीरो नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज जीरो तब होगी अगर ये फैक्टर आपका जो है ये जीरो हो जाए, बिकॉज ये तो जीरो होना नहीं. सो इट इज सो इफ एंड ओनली इफ साइन ऑफ टू पाई बाई लैम्डा इनटू एल इज इक्वल टू जीरो. और इट इज सो इफ एंड ओनली इफ टू पाई बाई लैम्डा इनटू एल साइन बेटे कितना जीरो होता है? एन इंटू पाई. सो यहां पे मैं एन इंटू पाई पुट कर देता हूं. पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास बच गया जी 2L इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा. और हम इसको बेटे कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं, L इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा बाई टू. ये हमारे काम की क्वेश्चन हो जाएंगी दोनों. सो डियर चिल्ड्रन, लेट मी री राइट वंस अगेन. आपका L जो है ये n इंटू लेमडा बाई टू, ये हमने यहां से रिजल्ट से निकाला और इसी को रहने दीजिए, बाकी तो हम इससे डिराइव कर लेंगे. अब मुझे ये बेटे बताइए, यहां से लेमडा पहले निकाल लें. लेमडा विल बी 2l अपॉन n, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटे. यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइएगा. ऑल ऑफ यू बेटा, सारा बेटे देखो मैथमेटिकल रिलेशन और बताइए. हरमन, दलजीत, अदिति, मिताली, वैभव, रमन, राघव एंड नमन, ठीक है जी, नोट करते जाइएगा साथ साथ. सो आइए बेटे अब हम देखें कि हमारी स्टैंडिंग वेव जो बनेगी उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और उस स्टैंडिंग वेव की बेटे जो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली वो कैसी रहने वाली है बेटा. तो अगर मैं बेटे n को 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दिस इज बेटे लेट मी राइट दैट. इफ n इज इक्वल टू 1 मैंने चूज कर लिया, इसको बेटे आप बोल देते हो n इज इक्वल टू 1 को बेटा फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड बेटा. सो वी कॉल दिस एज बेटे फर्स्ट हार्मोनिक और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल मोड. पुट कर देते हैं यहां पर n को 1 के बराबर. जब आप n को 1 के बराबर पुट करोगे, l आपके पास जो है 1, डिस्टिंक्शन के लिए मैं लेमडा 1 लिख देता हूं, लेमडा 1 बाई टू, और l आपका लेमडा 1 बाई टू के बराबर आ गया. या डियर चिल्ड्रन आप ऐसे भी कह सकते हो कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ योर लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल बेटे. इस चीज को डियर चिल्ड्रन हम ऑन द स्प्रिंग किस हिसाब से शो कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट आल्सो. बट बेटे बिफोर दैट हमें फंडामेंटल मोड जो है हमारा इसकी बेटे जो है ये पता भी होनी चाहिए कि फंडामेंटल मोड जो है हमारा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. सो वी कैन से दैट बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड, यहां से आप इसको वर्कआउट कर सकते हो. वी इज इक्वल टू न्यू 1 लैम्डा 1, न्यू इंटू लैम्डा के बराबर वी होता है. न्यू 1 विल बी इक्वल टू वी अपॉन लेमडा 1. और
आपने बेटे जो है स्प्रिंग्स के केस में डियर चिल्ड्रन टी अपॉन अंडर रूट म्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, बट आपका जो वी है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, वेयर टी इज टेंशन, म्यू इज बेटे लीनियर डेंसिटी आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, लैम्डा वन की वैल्यू वहां से यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड इट विल बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा वन, आपके पास बच्चों 2L के बराबर है, और v को लिख दिया t अपॉन म्यू अंडर द रूट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड। डियर चिल्ड्रन इसको देखिए और मुझे बताइए कि कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक, और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, मैं वो भी आपको बना के बताता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 0 बोला था इस एंड पर, स्ट्रिंग के दूसरे एंड पर x इज इक्वल टू l बोला था, ये बेटे आपका फंडामेंटल मोड ऐसा होगा, ऐसे बेटे दिस वे, और ये इस तरीके से हो जाएगा जी, इस तरीके से दिस वे, और इसको आप बोल देते हो आपका जो l है दिस इज इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन टू, ये वाला पार्ट आपका बेटे सेगमेंट कहलाता है। इसमें डियर चिल्ड्रन मिडल में यहाँ पे आप देखिएगा आपका एम्पलीट्यूड जो है दिस इज मैक्सिमम, और इसीलिए यहाँ पे बेटे एंटी नोड बन गया, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है दिस इज बेटे जीरो, और यहाँ पे आपका नोड बन गया, यहाँ पे भी आपका बेटे नोड बन गया। सो मिडल ऑफ द स्ट्रिंग जहां पर है वहां पर आपका एंटी नोड और एंड्स पर आपका नोड का फॉर्मेशन हो गया। इन दिस वे हम बेटे फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। मिताली पुत्र, मिताली मिताली yes, बेटा कोई बात समझने वाली हो, ना पता चली हो? क्लियर अंजलि, सहज, राघव, रमन, अंजलि क्लियर है सारा? क्लियर है बेटा, साथ yes. साथ थोड़ा थोड़ा बेटे लिखना जरूर है पुत्र, सारे बच्चों ने जैसे भी है थोड़ा थोड़ा लिखिए जरूर, उससे फिर बेटे आपका जो है बिकॉज इट इज अ लिटिल बिट मैथमेटिकल इन नेचर, सो आपको साथ साथ जरूर नोट कर लेना चाहिए बेटा। आइए आगे चलें बेटे, देन लेट अस गो फॉर विद सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, लेट अस प्रोसीड विद व्हेन एन इज इक्वल टू टू, इट इज कॉल्ड बेटे सेकंड हार्मोनिक, या इसको डियर चिल्ड्रन फर्स्ट ओवरटोन भी कह देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन बेटे इट इज द फ्रीक्वेंसी अदर देन द फंडामेंटल वन, इसको ओवरटोन कह देते हैं। इसमें एन को टू पुट कर दीजिए, एल इज इक्वल टू टू, डिस्टिंक्शन के लिए लैम्डा टू कर दीजिए, टू डिनोमिनेटर में पड़ा ही है, इट इज गेटिंग कैंसल्ड, एल इज इक्वल टू लैम्डा टू। इस चीज को मैं डिपिक्ट कैसे कर सकता हूं इस तरीके के डायग्राम की हेल्प के साथ, आइए फोकस करें। ये आपका अगेन स्प्रिंग, आपने जो एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू एल वाला एंड ये मैनेज किया हुआ था, तो बच्चों ये आपके पास देखिएगी, ये आपके पास देखो डियर चिल्ड्रन दिस वे, और यहां से वेव आपका रिफ्लेक्ट होकर वापस, और ये बन गया आपका स्टैंडिंग वेव, और इसकी लेंथ जो है एल, ये पूरी पूरी वेवलेंथ के बराबर है। एक बात याद रखिएगा, इतना पार्ट लैम्डा बाई टू होता है, इट इज आल्सो लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू विल बी कंप्लीट वेवलेंथ लैम्डा। और डियर चिल्ड्रन नोड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी नोड बन गया, यहाँ पे भी नोड बन गया, Here it is antinode, here it is antinode. Antinode वो प्लेस होती है जिस प्लेस पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए बेटा। सो ये आपने वेव ऐसे भेजा, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, और उसकी वजह से ये स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके से आपका बन के आपको मिल गया। आइए इसकी
इस मोड की बेटा फ्रीक्वेंसी भी निकाल के देखें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल तो नहीं अब आएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी निकालें बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक मोड। डियर चिल्ड्रन वी आपका न्यू इनटू लैम्डा, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, न्यू टू लैम्डा टू कह देता हूं मैं, और न्यू टू विल बी इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा टू, और वी बेटे आपने ऑलरेडी टी अपॉन म्यू टेंशन डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी कर रखा है, ये वी यहां पे पुट कर दीजिए, लैम्डा टू यहां से उठा लीजिए ये, सो न्यू टू विल बी इक्वल टू वन बाई लैम्डा टू आपका एल के बराबर है, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू। इसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि न्यू टू जो है दिस इज ट्वाइस वन अपॉन टू एल स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बेटे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, आप कह सकते हैं सेकंड हार्मोनिक मोड की फ्रीक्वेंसी, इट इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड। कई बार फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे नॉट का साइन भी डाल देते हैं, जीरो डाल देते हैं मतलब, तो उस तरीके से भी आप बेटा सोच सकते हो। सो डियर चिल्ड्रन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एनी डाउट सो फार, किसी भी स्टूडेंट को हो, हनूर कौर, इश्नूर, अंजलि, जैकलीन, नमन, राघव, रमन, सहज, अदिति, दिलजीत, देवनूर, हरमन और मिताली एंड वैभव, बच्चों बता दिया करो मुझे तभी फिर मैं बेटे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाऊंगा। रमनजीत सिंह, रमनजीत सिंह आपको अनम्यूट नहीं किया पुत्र, रमन क्लियर है, अच्छा बिल्कुल क्लियर है, अंजलि ठीक है, राइट, यस सर, गुड बेटे गुड, नमन, नमनदीप, नमनप्रीत सिंह क्लियर है सर, वेरी नाइस बेटे, सारे स्टूडेंट्स बेटा साथ साथ नोट जरूर करिएगा। मैं फिर कह रहा हूं इतनी डिटेल्ड आपकी मैथमेटिकल सेटअप और एनालिटिकल ट्रीटमेंट आपको बुक जो जनरली आप पढ़ते हो उनपे नहीं मिलेगा, सो प्लीज इसको नोट जरूर करिएगा। चलिए आगे चलें बेटा, थर्ड हम हार्मोनिक की बात कर लें या सेकंड ओवरटोन की बात, बच्चों ये आता बहुत है, हर एक एग्जाम में आता है, नॉट ओनली योर एनुअल और अदरवाइज एग्जाम्स बट इन द कॉम्पिटिशन ऑल्सो, तो अगर आप कॉम्पिटिशन में रियली सबसे आगे रहना चाहते हैं तो ये टॉपिक आप छोड़ने का सोच भी नहीं सकते बेटा, इससे आगे वाले भी। सो आइए देखें थर्ड हार्मोनिक, इसको बेटे आप सेकंड ओवरटोन भी कह सकती हो, और सेकंड ओवरटोन, मैं फिर बोलूं आपको, ओवरटोन स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी अदर देन द फंडामेंटल वन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज ओवरटोन ही कहलाती हैं। सो ये थर्ड हार्मोनिक में एन को आपने थ्री पुट किया, पुट कर दीजिए, L is equal to 3, lambda 3 लिख देता हूं distinction के लिए, divided by 2, और बच्चों L आपके पास 3 by 2 times wavelength आ जाएगा, आप जरा खुद बना के देखेंगे कि एक wavelength पूरी साथ में आधी और कैसे बना पाएंगे हम, roughly करके देखिएगा, यहाँ lambda 3 अगर आपको निकालना हो it will be twice L upon 3, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती रहती है, इसको भी यूज करेंगे। सो मैं बनाता हूं, आप भी बनाइए, देखिए कि ये हम कैसे शो कर सकते हैं, ये आपका x is equal to 0 वाला एंड, x is equal to l वाला एंड, और ये आपके पास बेटे आपका इंसिडेंट वेव, देखिएगा बड़े ध्यान से, आपने वेव इंसिडेंट कर दिया, आगे इसके जाने के लिए रास्ता है ही नहीं है, ये यहां से वापस इस तरीके से चल पड़ेगा, और आपका स्टैंडिंग वेव डियर चिल्ड्रन इस तरीके से ये चीज बन जाएगी, और इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, नोड अगेन, नोड अगेन, नोड अगेन, नोड, यहां पर बच्चों एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, फिर से याद दिला दूं
antinode is the place where the displacement is maximum, amplitude is maximum, speed is minimum. Node is the point where the displacement is zero, amplitude is zero. Node पर stress या strain maximum होता है, velocity maximum होती है wave की. ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है. So dear children, इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है जी, इसकी frequency निकालना बेटा. Frequency of third harmonic. फ्रीक्वेंसी के लिए v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. तो बिकॉज ये थर्ड है मैं थ्री लिख देता हूं. न्यू थ्री इट विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा थ्री. न्यू थ्री v, डियर चिल्ड्रन आप जानते हैं टेंशन डिवाइडेड बाई लीनियर डेंसिटी होता है. लैम्डा थ्री आपने निकाल रखा है, इट इज वन अपॉन टू एल बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू. न्यू थ्री इट इज थ्री इंटू वन बाई टू एल स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू. यू माइट बी रिमेम्बरिंग दैट कि ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. सो आप लिख सकते हो कि न्यू थ्री जो है थ्री टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड है. सो डियर चिल्ड्रन इस केस में हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे जो हायर हार्मोनिक्स हैं, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद जो सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड के बाद जो थर्ड है, थर्ड के बाद जो फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, उनकी सबकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड ऑफ द वाइब्रेशंस इन द केस ऑफ द स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स बेटा. सो बच्चों ये आपका पूरे का पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है. अगर आपको ये समझ आ गया मेरी बात याद रखिएगा 90% आपको स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन चाहे वो किसी भी केस में हो समझ आ गई बेटा. मैं फिर से सारे बच्चों से एक बार पूछता हूं कि क्या ये सारा समझ आ गया डियर चिल्ड्रन सारे बच्चों को. अंजलि, अदिति, दिलजीत, देवनूर, हरमन, इश्नूर, हरनूर, रमन, राघव, नमन, मिताली, ओके, वैभव, वंश, वंश कभी दिखा नहीं है, वैभव भी होता है. ठीक है बेटा. तो बेटे इसके बाद आप एंड में ये कह सकते हो कि जितने भी इनकमिंग हायर इसके मोड्स होंगे, हायर हार्मोनिक्स होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल बनती चली जाएगी. जैसे यहां पे आपने देखा तीसरे हार्मोनिक में थ्री टाइम्स हो गया, चौथे हार्मोनिक्स में फोर टाइम्स हो जाएगा, पांचवें में फाइव टाइम हो जाएगा, सिक्स्थ में सिक्स टाइम्स हो जाएगा, nth हार्मोनिक्स में आपका n टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल मोड हो जाएगा. और बच्चों याद रखिएगा nth हार्मोनिक इज कॉल्ड आल्सो n माइनस फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन एक कम वाला होता है नंबर में और हार्मोनिक ओवरटोन से एक नंबर ज्यादा वाला होता है नंबर में, अदरवाइज नहीं. सो डियर चिल्ड्रन इसके बाद आइए हम थोड़ा सा और स्ट्रिंग्स के केस में एनालाइज करके देखें कि जो फ्रीक्वेंसी है ये वेव्स आपकी जो स्टैंडिंग वेव्स बन गई हैं स्ट्रिंग्स के केस में इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इन पे डिपेंड किया करती है. सो लेट अस है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अपॉन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव्स डिपेंड्स. आपने प्रेजेंटली वी बाई लैम्डा के बराबर म्यू को निकाला था और फंडामेंटल मोड में इट वॉज वन बाई टू एल स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी. यहाँ पे न्यू जो है दिस इज फ्रीक्वेंसी, टी बेटे जो है दिस इज टेंशन, एल जो है बेटा ये लेंथ, और बच्चों जो म्यू है दिस इज बेटे लीनियर डेंसिटी. बेटा बच्चों बहुत ही ध्यान से आप एक्सप्रेशन की तरफ देखिएगा. फ्रीक्वेंसी न्यू जो है इट इज डायरेक्टली
इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ. स्ट्रिंग की जितनी ज्यादा लेंथ होगी आपकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल मोड की न्यू उतनी कम होगी. इनवर्स रिलेशनशिप है. अगर आप ज्यादा लॉन्ग ले लोगे स्प्रिंग को तो फ्रीक्वेंसी वेव की कम पड़ जाएगी. दिस इज व्हाट वी मीन ओवर हियर. सेकेंडली दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लेंथ. लॉ ऑफ लेंथ इसको बोल देते हैं. सेकेंडली फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर डेंसिटी. लीनियर डेंसिटी अगर कम है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेंसिटी. और तीसरे केस में फ्रीक्वेंसी इज इन डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टेंशन टी. तो लार्जर द टेंशन लार्जर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा. सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टेंशन. बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है. म्यू को थोड़ा सा देखिएगा. म्यू लेंथ मास अपॉन लेंथ है आपका बेटा. म्यू जो है मास आप कह सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन लेंथ. म्यू को आप वॉल्यूम को आप बेटे पाई आर स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ऐसे करके लिख सकते हो. और म्यू आपका पाई आर स्क्वायर इनटू डेंसिटी ये आप ऐसे म्यू को लिख सकते हैं ये यहां पर पुट करके. तो ये आपका कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ द वायर पे भी डिपेंडेंट रहता है. एक बार आपके बीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक वायर है उसका रेडियस इतना है आर वन है. एक वायर और है उसका रेडियस आर टू है. आर टू वाज डबल ऑफ आर वन और समथिंग लाइक दैट. तो आपको पूछा गया था कि फ्रीक्वेंसी कैसे इफेक्ट होगी. तो यहाँ पे म्यू की जगह पर वो चीज पुट कर दीजिएगा. इनवर्स डिपेंडेंस हो जाएगा रेडियस पर. जिसका रेडियस ज्यादा मतलब जो वायर मोटी है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी. जो वायर का रेडियस कम है जो वायर पतली है उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें सेंडिंग वेव्स की बच्चों ज्यादा हो जाएगी. डियर चिल्ड्रन ये इनको मेरी तरफ से एक बार सोच के बताइए बेटे. ये क्लियर है सारे बच्चों को पुत्र. बिगनिंग विद मिताली राघव रमन सारे बच्चे बेटे अंजलि. ओके बेटा. सो बेटे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पीरियड. बाकी की बात बाद में करेंगे. आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा. आप कहोगे तो मैं आगे पढ़ा दूंगा थ्योरी. नेक्स्ट पीरियड में काम करते हैं बाकी का. थैंक यू ऑल बेटा.